Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some basic programs related to Python programming. So students, let's start. So students, आज का हमारा पहला प्रोग्राम है, हमें ट्राइंगल ऑफ एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. और फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, ये आप जानते ही हैं. तो आपको सेमी पैरामीटर निकालना होता है पहले. थ्री साइड्स अगर ए बी सी हैं तो ए बी सी को टू से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. और उसके बाद एरिया निकालने के लिए अंडर रूट एस 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 मैन एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इस तरीके से निकालना होगा. ये मैथमेटिक्स की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमें प्रोग्राम पाइथन में बनाना है. तो इस फॉर्मूले को पहले हमें पाइथन में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद इसमें जो भी इनपुट्स और थ्री साइड्स हैं उसको इनपुट कराना होगा, और फिर आउटपुट प्रिंट कराना होगा जो आपका एरिया है. तो आई थिंक अभी ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसमें एक पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं. देखिए प्रोग्राम बना भी हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर, लेकिन मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ इसको, ताकि आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न ना रहे इसके रिगार्डिंग. तो सबसे पहले हम टाइटल लिख देते हैं इसका, ठीक है. पाइथन स्टार्ट करते हैं. पाइथन 3.3 वर्ज़न है, आप तो कोई भी 3.x यूज़ कर सकते हो. और उसमें जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं. टाइटल के बाद आपको करना ये होता है कि आप फॉर्मूला लिखना होता है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनपुट फाइंड आउट करना होता है. तो शॉर्ट में हम राइट ए प्रोग्राम को डब्ल्यू ए पी लिखते हैं. राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन, डब्ल्यू ए पी इन पाइथन. क्या करना है हमको, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ट्राइंगल. सर्कल और रेक्टेंगल के एरिया हम ऑलरेडी प्रोग्राम बना चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो लास्ट वीडियो जाकर देखिए, वहाँ हम ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल चुके हैं, सॉरी रेक्टेंगल का और सर्कल का एरिया निकाल चुके हैं. आज हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. तो बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनपुट को फाइंड आउट करना होता है, उससे पहले फॉर्मूले को पाइथन में कन्वर्ट करना होता है. देन आपको प्रिंट कराना होता है आउटपुट. तो सबसे पहले तो इसमें आपको डायरेक्ट, जब चूँकि फॉर्मूले एस यूज़ हो रहा है, सेमी पैरामीटर यूज़ हो रहा है, तो पहले उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है. तो पहले आपको उसके लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. तो फॉर्मूला सेमी पैरामीटर का क्या था, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई टू निकालेंगे तो सेमी पैरामीटर कहलाएगा वो. तो एस इक्वल टू ये लिखेंगे हम. तो देखिए ये फॉर्मूला है आपका, ए बी सी को आप ब्रैकेट में लिखिएगा, पैरेंथेसिस साइन के अंदर लिखिएगा. उसके लिए ज़रूरी ये इसलिए है क्योंकि आप सी को डिवाइड नहीं कर रहे हैं टू से, आप तीनों के सम को डिवाइड कर रहे हैं. तो पहले सम निकलेगा, तो बोर्ड मास रूल में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ पहले सॉल्व होगा. तो ए प्लस बी प्लस सी पहले कैलकुलेट होगा, देन जो भी सम आएगा वो फिर टू से डिवाइड होगा. तो आप इसी तरीके से फॉर्मूले को लिखिएगा. जब आपका ये सेमी पैरामीटर कैलकुलेट हो जाए, एस कैलकुलेट हो जाए, तो फॉर्मूले में हमें लिखना होता है एस इंटू, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक साइन यूज़ करते हैं, ठीक है. तो हम लिखेंगे एस, कैपिटल एस यूज़ किया हमने वेरिएबल का, तो हमको भी कैपिटल एस ही लेना पड़ेगा ऊपर, इंटू एस माइनस ए. एस माइनस ए को ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि एस में से सबट्रैक्ट होगा, उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एस के साथ मल्टीप्लाई होगा. देन आफ्टर एस माइनस बी एंड देन एस माइनस सी. एस माइनस सी अभी इसकी पावर टू निकालनी है हमको, कैलकुलेट करनी है. तो जो भी रिजल्ट आया है एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए आप. ब्रैकेट का मतलब है पैरेंथेसिस में मार्क कर दीजिए इसको साइन में,
पैरेंथेसिस के, और फिर इसकी पावर हमको 0.5 निकालनी है। अंडर रूट 2 का मतलब 0.5 होती है, तो पावर निकालने के लिए डबल एस्ट्रिक साइन और फिर 0.5, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 होता है। तो अभी ये एरिया का फॉर्मूला निकल गया आपका। अभी आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है, इसमें से आपको इनपुट फाइंड आउट करना है। देखिए एस इनपुट नहीं है, क्यों इनपुट नहीं है, एस इसलिए इनपुट नहीं है क्योंकि एस ए बी सी से कैलकुलेट होकर निकला है, तो इनपुट इसमें ए बी और सी है, उसके थ्रू एस निकलेगा और एस कैलकुलेशन के अंदर यूज़ हुआ है इसके अंदर सेमी पैरामीटर। तो सबसे पहले ए को इनपुट करा देते हैं, फ्लोट वैल्यू लेते हैं, तो फ्लोट वैल्यू लेंगे तो लिखेंगे फ्लोट इनपुट, और फिर इनपुट के अंदर मैसेज लिखेंगे जो मैसेज हम चाहते हैं डिस्प्ले हो स्क्रीन पर इनपुट कराते समय। तो एंटर फर्स्ट साइड और फिर ट्राइंगल, ठीक है, लिख सकते हैं हम। तो फर्स्ट साइड लिखेंगे, इतना ही लिखते हैं, और फिर एक और ब्रैकेट क्लोज होगा क्योंकि टू ब्रैकेट ओपन किए तो टू ब्रैकेट क्लोज भी करने पड़ेंगे आपको। ए के बाद फिर आप बी को लिखिए सेम तरीके से, बी इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट, और फिर लिखिए एंटर सेकंड साइड, और सेम प्रोसीजर हम सी के लिए भी फॉलो करेंगे थर्ड साइड के लिए भी, क्योंकि अगर हमें साइड पता है तो सेम पैरामीटर निकल जाएगा, और वो पता है तो फिर हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड इनपुट हो गए हमारे ए बी और सी, ठीक है, सी भी फ्लोट ही लेंगे, और अगेन सेम प्रोसेस सी के लिए भी रिपीट करेंगे इनपुट का, सी इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर थर्ड साइड। अब हमारे पास तीनों साइड आ जाएंगी, तो फॉर्मूला हमने लिख ही दिया है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, सेम पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएगा, देन आफ्टर एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। और जब एरिया आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर आपका लास्ट काम रह जाता है एरिया को प्रिंट कराना, क्योंकि तो स्क्रीन पर मैसेज आना चाहिए कि ये एरिया है आपका जो कैलकुलेट होकर आया है। तो एरिया के लिए मैसेज प्रिंट करा देंगे, तो क्या मैसेज होगा प्रिंट, एरिया ऑफ सर्किल एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था आज। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि आप डबल कोट्स में कुछ भी लिखें वो एज इट इज प्रिंट होगा, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने मान ली एरिया ऑफ सर्किल लिख भी दिया इसके अंदर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सर्किल का एरिया निकलेगा, ये तो मैसेज है और मैसेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैसेज हाँ रिलीवेंट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको ट्राइंगल लिखना है, मैं ये करके दिखा देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो आज चलिए ये काम भी करके देख ही लेते हैं। तो सर्किल लिखने से सर्किल का एरिया नहीं निकलेगा, आपने जो फॉर्मूला लिखाया है, फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी कैलकुलेशन होकर आई है, जो वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, उसके साथ जो मैसेज आप प्रिंट करा रहे हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही आपका प्रिंट भी हो रहा है। ये देखिए एंटर फर्स्ट साइड, तो साइड देंगे, साइड दे दीजिए कोई भी, मान लीजिए आप 5, 6, 7 देते हैं, तो पहला 5 देन 6 एंड देन 7, देखिए 14.69 आ रहा है, सर्किल का नहीं आ रहा, ट्राइंगल का आ रहा है, लिखा सर्किल है इसलिए सर्किल लिखा हुआ आ रहा है। तो मैसेज में आज अक्सर स्टूडेंट ये कन्फ्यूज होते हैं कि सर या अगर हम कुछ मैसेज में गलत लिख देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन मैसेज के अकॉर्डिंग नहीं होती, मैसेज सिर्फ इसमें का रोल ये होता है कि हमने जो भी आउटपुट निकाला है उसको हम सामने वाले को समझा रहे हैं, ठीक है, उसे कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखिएगा, आपको ट्राइंगल ही लिखना है, आपको सर्कल ही लिखना। हाँ आज मैं एक थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है स्वैप टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिलेबस में ऑपरेटर्स काफ़ी डिटेल में दे रखे हैं आपके। तो स्वैप टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है पहले ये समझिए,
स्वैप टू वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि आपके पास टू वेरिएबल्स हैं और आप दोनों की वैल्यू जो भी दे रखी है आपको, जब आप प्रिंट कराएं तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपने ए की 20 और बी की 30 दे रखी है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पर रिजल्ट जो आएगा वो ए की 30 और बी की 20 आ जाएगी, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी उस केस में। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए एक जो आसान सा तरीका है, एक्चुअली इस प्रोग्राम को दो डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है, पहला यूजिंग थर्ड वेरिएबल और सेकेंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल ज़्यादा आसान पड़ता है, समझना ज़्यादा आसान है। थर्ड वेरिएबल का काम यह है कि हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेंगे और जिसमें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, ठीक है। देखिए इस चीज़ को पहले मैं थोड़ा डिटेल में बताऊँ, उससे पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये ऐसे समझिए कि आपको क्या करना है कि आपके पास टू कंटेनर हैं और दोनों भरे हुए हैं, सपोज एक वाटर से एक ऑयल से, ठीक है। अब आपको दोनों का जो मटेरियल है, जो वाटर को वाटर वाले कंटेनर में आपको ऑयल चाहिए, ऑयल वाले कंटेनर में आपको वाटर चाहिए, स्वैप करना है, चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे आसान सा तरीका ये है कि आप एक थर्ड कंटेनर और ले लीजिए। अब वाटर को थर्ड कंटेनर में पलट दीजिए, ठीक है। और फिर जब फर्स्ट कंटेनर वाटर वाला कंटेनर खाली हो जाएगा तो उसमें आप ऑयल को, और फिर ऑयल वाले कंटेनर में जो थर्ड कंटेनर आप लेके आए थे उसमें आप वाटर को पलट दीजिए। तो यूजिंग थर्ड कंटेनर आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। अगर हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल है तो थर्ड वेरिएबल में हम फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, फर्स्ट में सेकेंड की वैल्यू को स्टोर कर देंगे और सेकेंड में फिर फर्स्ट की वैल्यू को स्टोर कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टेम्प इजिकल टू एक्स, एक्स है फर्स्ट वेरिएबल, एक्स इजिकल टू वाई, वाई है सेकेंड वेरिएबल, और वाई इजिकल टू टेम्प। तो टेम्प जो स्टार्ट में जो एक्चुअली फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर रहा था उसको फिर हम सेकंड वेरिएबल को असाइन कर देंगे। यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, ये इक्वल में बोल जरूर रहा हूँ लेकिन इसका मतलब असाइनमेंट होता है। यहाँ पर असाइनमेंट से मतलब होता है वैल्यू असाइन हो रही है, और असाइन हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है, यानी एक्स की वैल्यू टेम्प को असाइन होगी, वाई की वैल्यू एक्स को असाइन होगी और टेम्प की वैल्यू वाई को असाइन होगी। ये थ्री स्टेटमेंट का ये मतलब है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो लेटेस्ट आपका असाइनमेंट होता है वही फाइनली कंसीडर किया जाता है, प्रीवियस वैल्यू क्या थी वो फिर मैटर नहीं करती, अगर है भी तो वो ओवरराइट हो जाती है। जैसे टेम्प इजिकल टू एक्स लिखा, ठीक है, अब एक्स की कोई वैल्यू रही होगी तो जो भी एक्स की वैल्यू है टेम्प को असाइन हो जाएगी। एक्स इजिकल टू वाई लिखा तो अभी एक्स की पहले कोई वैल्यू हम ऑलरेडी इनपुट करा चुके हैं तो जो भी वैल्यू होगी अब वो वाई से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्वैप करा सकते हैं। चलिए हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से दो वैल्यू को स्वैप किया जा सकता है। एक नया प्रोग्राम ओपन करते हैं। यहाँ सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, टाइटल हो जाएगा राइट प्रोग्राम, इन पाइथन टू स्वैप टू वैल्यूज ए इक्वल टू लिखेंगे हम इंट, पहले वैल्यूज को इनपुट करा लेते हैं, इंटीजर टाइप की लेते हैं आप फ्लोट टाइप की भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, वैल्यू दोनों ही केसेस में स्वैप हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं लिखते तब भी स्वैप हो जाएंगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर इनपुट कराएंगे, b इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर अब आपको फर्स्ट नंबर इनपुट हो जाएगा, सेकेंड नंबर इनपुट हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हम एक थर्ड वेरिएबल लेंगे, तो फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा ए, सेकंड वेरिएबल हो जाएगा बी, थर्ड वेरिएबल का नेम लेते हैं टेम्प, कुछ और भी ले सकते हैं आप, सी भी ले सकते हैं, टेम्प से समझना ज़्यादा आसान होगा इसलिए हम टेम्प लेते हैं, टेम्प मतलब टेम्परेरी के लिए हमने टेम्प ले लिया।
वेरिएबल की चॉइस टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप वेरिएबल का क्या नेम लेंगे वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। आप नम वन नम टू ले लीजिए, नंबर वन नंबर टू ले लीजिए वो भी ठीक रहेगा, थर्ड वेरिएबल नंबर थ्री ले लीजिए वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ले लिया टेम्प ही लेते हैं, टेम्प इक्वल टू ए लिखेंगे सबसे पहले, एक्स नहीं ए होगा, ए की वैल्यू टेम्प को असाइन हो जाएगी। फिर बी की वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी और लास्ट में बी को टेम्प की वैल्यू असाइन हो जाएगी। इट मींस जो इनिशियल में जो आपकी ए की वैल्यू थी वो बी को असाइन हो जाएगी। तो इन थ्री स्टेप्स में हम टोटल स्वैपिंग कर देंगे। अब टेम्प में क्या है क्या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा ए बी की स्वैपिंग हो गई। तो अगर हम अब जब भी ए और बी को प्रिंट कराएंगे तो हम रिजल्ट जो मिलेगा हमें स्वैपिंग के बाद मिलेगा। रिजल्ट आफ्टर स्वैपिंग, तो सबसे पहले मैसेज प्रिंट करा दिया हमने सिंपल सा। अब वेरिएबल ए की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, फिर वेरिएबल बी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो वेरिएबल ए क्या है आपका, वेरिएबल ए तो डायरेक्टली करा देते हैं, तो मैसेज के साथ प्रिंट कराएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैसेज में लिखा मैंने आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज फर्स्ट नंबर वैल्यू का नेम है ए, ठीक है, और फिर ऐसे लिखेंगे आफ्टर स्वैपिंग सेकेंड नंबर बी आफ्टर स्वैपिंग। तो अभी इसको सेव कर देते हैं प्रोग्राम को। स्टूडेंट्स अभी तक ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम है, सभी आपको प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं। अभी तक हम कितने कर चुके हैं, 9 कर चुके हैं, तो 10 हुआ। सेव करेंगे, रन कराएंगे इसको। ये देखिए आउटपुट देख के आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एंटर फर्स्ट नंबर 10 दे दिया हमने, सेकेंड नंबर 20 दे दिया। तो स्वैपिंग के बाद क्या आ रहा है रिजल्ट, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 20 और सेकंड नंबर हो जाएगा 10। तो स्वैपिंग हो गई, दोनों इंटरचेंज हो गए तो स्वैपिंग हो गई। तो ये इसका प्रोग्राम का लॉजिक था, यूजिंग थर्ड वेरिएबल था ये प्रोग्राम। अभी इसी प्रोग्राम को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आप इसको थर्ड वेरिएबल की हेल्प से बनाइए, और ये भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि इसको आप विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल लिखिए। दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ नहीं आता तो फिर तो आप अपने हिसाब से बना ही लीजिएगा दोनों में से कोई भी एक। तो अभी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल क्या करेंगे, क्या कैसे होगा प्रोग्राम। तो देखिए इनपुट और आउटपुट में तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये जो बीच में तीन इक्वेशन लिखी है हमने, ये हमें को चेंज करनी पड़ेगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एक आसान सा तरीका है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को असाइन होती है, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट को असाइन होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड को असाइन होगी। तो इस केस में क्या होगा कि बी की वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी और ए की वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी। तो ये सबसे सिंपल तरीका है। तो यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर आसानी से ये निकाल सकते हैं। ये देखिए अब रन कराएंगे इसको, तो आप देखिए आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो एंटर सेकंड नंबर 20, अभी देखिए तो आउटपुट सेम है, आउटपुट सेम है, तो इसका मतलब
प्रोग्राम का लॉजिक तो सही है, लॉजिक में कोई कमी नहीं है। तो प्रोग्राम दूसरे तरीके से ये बनाया हमने, और ये प्रोग्राम हो गया आपका। चलिए अभी समझ में आ चुका होगा आपको। तो इस प्रोग्राम में आप क्या काम कीजिएगा, जब इस प्रोग्राम को कॉपी में लिखें आप, तो इसे पार्ट बना दीजिएगा, पार्ट वन और पार्ट टू। ये पार्ट टू था, पार्ट वन होगा यूजिंग थर्ड वेरिएबल, पार्ट टू होगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। प्रोग्राम का टाइटल सेम रहेगा, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू स्वैप टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट टाइम के अंदर कमेंट की फॉर्म में लिखना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और सेकंड के लिए लिखना है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इस प्रोग्राम के टू पार्ट्स हो जाएंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसा एग्जाम में पूछा जाए। वैसे एग्जाम में पूछा जाता नहीं है अलग से कि आप इस मेथड से कीजिए, थर्ड वेरिएबल को यूज़ कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और ये तो आसान ही है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल इंप्लीमेंट करना। कॉन्सेप्ट समझने की जहाँ तक बात है, तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझना कहीं ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप एक तरीका ऑप्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगे। अगर कहा जाता है स्पेशली थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके बनाना है तो ऐसे बनाइए, नहीं कहा जाता है तो फिर ये तो सिंपल है ही, ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। इसमें क्या होता है, बी की वैल्यू ए की वैल्यू बी को असाइन हो जाती है, यानी फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट को राइट हैंड साइड की, और सेकेंड की वैल्यू सेकेंड को आपकी असाइन हो जाती है एक ही स्टेटमेंट में, यानी सिंगल स्टेटमेंट। आज मैं आपको एक प्रोग्राम और बताने जा रहा हूँ, और एक्चुअली ये कल भी डिस्कस हुआ था, आज थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम है कि हमको ये पता लगाना है कि कोई गिवन नंबर इवन है या ऑड है। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने को समझेंगे, और प्रोग्राम और भी करने हमें, हम इसके बाद लार्जेस्ट अमंग थ्री नंबर्स निकालेंगे। हमको प्रोग्राम ये भी पता लगाना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि जनरली ऐसे अभी तक हमारे प्रोग्राम रन हो रहे थे, हम एक इक्वेशन लिख रहे थे, और इक्वेशन के बिहा पर जो भी मतलब रिजल्ट था वो आ रहा था। अभी ऐसा है कि अब आपको कंडीशन होगी, अगर कंडीशन जो दी जाएगी वो आपकी मतलब इफ़ या एल्स के साथ दी जाती है, जिनको कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर ही स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, जैसे अभी तक होता रहा था कि प्रिंट था तो प्रिंट तो होना ही है। अब प्रिंट डिपेंड इस बात पर करेगा रिजल्ट का कि कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। तो ऐसे ही एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जिसे हम इफ एल्स बोलते हैं। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम छोटा सा, कि प्रोग्राम है कि नंबर एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है। देखिए इसमें आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमें एक नंबर को चेक करना है एक्चुअली कि वो नंबर आपका इवन है या ऑड है। तो देखिए, या तो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, थर्ड पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है। जो टू से डिविजिबल होते हैं कम्प्लीटली वो इवन नंबर होते हैं, जो डिविजिबल नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी मैं नंबर प्रिंट करूँगा तो या तो मैसेज ये प्रिंट होना चाहिए कि वो इवन है, या मैसेज ये प्रिंट होना चाहिए ऑड है, दोनों प्रिंट नहीं होनी चाहिए। प्रिंट स्टेटमेंट हालांकि हमको प्रोग्राम के अंदर दोनों देने पड़ेंगे, तो हमें वहाँ कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कंडीशन मेंशन कैसे करते हैं, कंडीशन मेंशन करने का एक के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और ये समझ लीजिए आपको प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प मिलेगी। ऐसा ही कंडीशनल स्टेटमेंट होता है नंबर आपका इफ एल्स, और सबसे पहले हम एक नंबर को इनपुट करा लेते हैं जिसको हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। तो हमारे पास एक इनपुट होना चाहिए, तो हमने लिखा नंबर इंट इनपुट एंटर एनी नंबर, किसी एक नंबर को इनपुट करा लेंगे, ठीक है। करा लिया हमने इनपुट, डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिख देंगे, और उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखना कैसे है आपको, लिखना है आपको इफ़ कीवर्ड इफ़। ये कीवर्ड क्या है, कीवर्ड वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इफ़ और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन, उसके बाद कॉलन का साइन। तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये है कि जो नंबर टू से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर मॉडुलो टू,
नंबर मॉडुलो डिवीज़न टू, ये मॉडुलो डिवीज़न का साइन है परसेंटेज का, ठीक है, ये क्या रिमाइंडर शो करता है। और इक्वल के लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, आपने किया ही होगा, सिंगल इक्वल तो मैथ का असाइनमेंट होता है, तो अगर आप सिंगल इक्वल करेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है, आपको डबल इक्वल करना है। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, मैं सिंगल इक्वल ही लेकर चल रहा हूँ और आपको लेकिन डबल इक्वल करना है। तो कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद नेक्स्ट लाइन से जैसे आप स्पेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्पेस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये स्टेटमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, यानी ये तभी रन होगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो मैंने दे दिया प्रिंट, यहाँ मैसेज लिख दिया, मान लीजिए ईवी नंबर लिख देते हैं, सिंपल सा ईवी नंबर, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट को मैंने असाइनमेंट और इक्वल ऑपरेटर में कंफ्यूज होते हुए देखा है, तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, अभी तो ये तो तब है जब कंडीशन ट्रू होगी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, तो स्टेटमेंट लिखाया था एल्स, एल्स के बाद कॉलन का साइन और स्पेस देके प्रिंट स्टेटमेंट जो भी आपको देना है। मान लीजिए मैंने दे दिया ऑड नंबर, तो एमएससी ऑड नंबर प्रिंट होगा। अब इस केस में क्या होगा, या तो नंबर इवन प्रिंट होगा या नंबर ऑड प्रिंट होगा, दोनों एक साथ प्रिंट नहीं हो सकते, क्योंकि कंडीशन या तो ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन ट्रू है तो इवन नंबर प्रिंट होगा और यानी एफ के साथ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के साथ वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसका सिंटैक्स यही है कि इफ़ के साथ कंडीशन लिखते हैं, कॉलन का साइन लिखते हैं, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑटोमेटिकली वो 4 बाइट स्पेस के बराबर स्पेस कंसीडर कर लेता है। कॉपी में लिखते समय आपको स्पेस अपने से खुद को देना है, ठीक है, कॉपी में खुद को देना है। और स्पेस देने का मतलब ये होता है कि ये स्टेटमेंट कंडीशन पर डिपेंडेंट है जो ऊपर दी गई है। फिर आप लिखते हैं एल्स, एल्स में कभी कंडीशन नहीं लिखते, याद रखिएगा। एल्स का मतलब ये है कि इफ़ में अगर फेल हो गया तो उसके बाद क्या प्रिंट होना है, यानी रेस्ट जो भी होगा वो एल्स में आ जाएगा। तो चूंकि वो रेस्ट सभी और कुछ एल्स में आ जाएगा, तो इसलिए एल्स के साथ कभी कुछ कंडीशन नहीं लिखी होती। उसके बाद कॉलन का साइन, कॉलन के साइन के बाद फिर उसी तरीके से आप एंटर प्रेस करोगे पाइथन प्रोग्रामिंग में इसमें, तो 4 बाइट स्पेस के बराबर वो स्पेस आप एक्चुअली में ले लेगा आपको, और फिर उसके बाद जो भी स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे वो तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन फेल हो जाएगी। तो ये नंबर था इवन का ऑड का। अब आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आएगा। देखिए कैसे आएगा आउटपुट, सेव कर लेते हैं पहले। तो प्रोग्राम 10 तक हो गए हमारे, आई थिंक प्रोग्राम 11 है ये, हालांकि मैंने कल भी बताया था, कल डिटेल में नहीं बता पाया था मैं इसको, इसलिए थोड़ा सा आज फिर से इसे रिपीट किया। और इसे मिलते जुलते प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। रन करते हैं, एरर आनी चाहिए, देखिए इनवैलिड सिंटैक्स, ये देखिए। जब आप कंडीशन लिखते हैं ना तो इक्वल का जो साइन होता है ना तो वो डबल इक्वल होता है एक्चुअली, तो इसको याद रखिएगा अच्छी तरीके से, तभी प्रोग्राम रन होगा, नहीं तो सिंटैक्स एरर आएगा। सिंटैक्स का मतलब है आपने प्रोग्राम के जो रूल्स थे, प्रोग्रामिंग के जो रूल्स थे उसको फॉलो नहीं किया है। रन कराएंगे अब इसको, अब देखिए अब हो जाएगा। एंटर एनी नंबर, कोई नंबर डाल दीजिए, मान लीजिए आपने 6 डाल दिया, ईवी नंबर आ रहा है। प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट कराइए ऑड नंबर के साथ, तो आपको वो भी पता चल जाएगा। रन कराइए, एंटर एनी नंबर आपने मान ली दे दिया 7, तो ऑड नंबर आ रहा है। दोनों में से कोई एक आएगा, या तो ईवन आएगा ऑड आएगा, मैसेज एक ही प्रिंट होगा। तो हालांकि दोनों मैसेज प्रोग्राम में आपने प्रिंट कराए हैं, लेकिन वो कंडीशनल डिपेंडेंट हैं, तो दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। कंडीशन के ट्रू या फॉल्ट होने पर भी उनकी डिपेंडेंसी बनी रहेगी, तो इन्हीं को हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जनरली जैसे आपने अभी तो प्रोग्राम बनाया सिंपल इंटरेस्ट का, ट्रायंगल ऑफ एरिया का ट्रायंगल निकालने का, ठीक, ट्रायंगल एरिया निकालने का, ट्रायंगल का सॉरी सर्किल का एरिया निकालने का, ये सभी प्रोग्राम थे इसके अंदर। तो अभी इसमें क्या था, कंडीशन नहीं थी कुछ भी, लेकिन अब कंडीशन डिपेंडेंट हम प्रोग्राम करना सीखेंगे। ये हमारा पहला प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको और आगे ले जाएंगे। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ फिर प्रोजेक्ट टाइप के कुछ प्रोग्राम करेंगे जो आपको बना सकते हैं, और एक प्रोग्राम बनाएंगे कैलकुलेटर का, मैंने आपको बताया था, तो वो तभी समझ में आएगा जब आप ये कंडीशनल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी ये याद रखिएगा कि ये जो भी कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट है। अभी तक टोटल 10 प्रोग्राम्स हो चुके हैं, इसको इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि ये मैंने कल भी बताया था, तो इसको कंसीडर करके टोटल 10 प्रोग्राम हो चुके हैं। अभी मुझे 3 to 4 प्रोग्राम्स और कराने पाइथन प्रोग्रामिंग के, और ये सभी प्रोग्राम आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखना है, तो ये याद रखिएगा। आई होप अभी आपको समझ में आ चुका होगा।
सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो.